नमस्कार, क्या हाल चाल बेटा? आप सबके स्वागत है आपका फिर से इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे। मैं दीपेंद्र सिंह आप सबका फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। क्या हाल चाल है आप सबके बेटा? चलिए आइए कुछ कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे बेटा, ठीक है? और आज प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हमको देखना है, ठीक है? चलो तो खूब खुश रहिएगा। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। चलिए तो स्वागत है आपका फिर से। तो आइए कुछ बातें कर लेते हैं। क्रैक यूपीपीएससी एंड यूपीडब्ल्यूएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आपने बेटा अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लिया होगा। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के अपने बहुत सारे फायदे हैं बेटा, ठीक है? क्योंकि फ्री क्लासेस चलती रहती हैं। जैसे मेरी फ्री क्लास जो होती है 8 बजे रात होती है, तो आप सारे एजुकेटर्स का फ्री क्लास सब देख सकते हैं इसमें। देखिए, फ्री क्लास कोई भी कर सकता है, लेकिन यदि आप फुल स्ट्रक्चर्ड कोर्स पीसीएस का करना चाह रहे हैं तो प्लस पे आपको आना पड़ेगा। और प्लस पे क्लास करने के लिए आपको सर सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, और सब्सक्रिप्शन के लिए आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं DSYTLIFE, ठीक है? इससे आपको 10% का छूट मिलेगा। एनी टाइम एनी वेयर रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हैं आप, लाइव सेशन देख सकते हैं, बेस्ट एजुकेटर से पढ़ सकते हैं आप। और स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन है, PDF मिलते हैं आपको, अनलिमिटेड क्विजेज हैं, इवेंट भी ऑर्गेनाइज होते रहते हैं, तो उसके बारे में भी आप देख सकते हैं। इस समय सर एक स्पेशल प्राइस वीक चल रहा है। यदि आप हमारे यहाँ UPPSC में 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेंगे सर, तो इस समय आपको 10,000 रुपये का, 10,404 रुपये का पड़ेगा, जो कि पहले 12,000 का पड़ता था, इस समय 10,000 का। तो 2,000 रुपये एक्स्ट्रा ऑफ चल रहा है इस समय, और कोड आपको लगाना है एजुकेटर का DSYTLIFE, ठीक है? चले यूपीपीएससी प्रीलिम जीएस पेपर 1 की टेस्ट सीरीज चल रही है। यदि आप अनअकैडमी से गेन करना चाह रहे हैं, कुछ रिवार्ड के रूप में लेना चाह रहे हैं, तो ये टेस्ट आपके लिए बेहद जरूरी है। यदि आपकी रैंक इसमें फर्स्ट आती है तो 6 मंथ के प्लस पे अनअकैडमी 100% का स्कॉलरशिप देगा सर। यदि रैंक 2 से 3 आती है इस टेस्ट में, तो 6 मंथ के प्लस पे 50% का स्कॉलरशिप अनअकैडमी देगा। और यदि रैंक 4 से 25 आती है, तो 6 मंथ के प्लस पे 25% का स्कॉलरशिप अनअकैडमी देगा। 200 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का होगा, नेगेटिव मार्किंग भी है, और पीसीएस के प्रीलिम जैसा पेपर है। विजय भाई यूपीपीएससी पीसीएस की मेंस की टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिलेगी प्लस पे। करंट अफेयर चल रहा है, इसको भी आप कर सकते हैं। मेंस जीएस पेपर 1 बहुत ही शानदार फैकल्टी के द्वारा पढ़ाया जा रहा है सर, तो आप लोग जरूर ज्वाइन करें। बैच कोर्स के बारे में थोड़ा बता दूं, मेंस का ऑप्शनल चल रहा है सर, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। विजय भाई यूपीपीएससी पीसीएस का मेन्स बैच चल रहा है 2021, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? बैच कोर्स मेंस का चल रहा है, इसको भी करें। इतनी तैयारियां सर हम लोग अनअकैडमी पर कराते हैं, इसमें से कोई भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, और सब्सक्रिप्शन अमाउंट मैं आपको बता दूं, 2 साल का 13,600 का, लेकिन कोड लगाने पर 12,240, जो कि इस समय 10,000 है ऑफर पे। 1 साल का सब्सक्रिप्शन 9,350 का, कोड लगाने के बाद 8,415। 6 मंथ का 7,650, कोड लगाने के बाद 6,885 का हो जाएगा। EMI अवेलेबल है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी हमारे यहाँ है सर, UPPSC, UPSSSC और BPSC का एक साथ 1 साल का 10,620, कोड लगाने के बाद 9,950 का पड़ जाएगा करीब करीब, तो आप जरूर ज्वाइन करें। आइए प्रश्नों की श्रृंखला की ओर चलते हैं और अपने तैयारी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है सर? चलिए तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे सर आ चुका है। थोड़ा सा जल्दी में हिंदी वाला ट्रांसलेशन बहुत अच्छा नहीं हो पाया, तो आप लोग इंग्लिश वाले पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है? आप लोग इंग्लिश वाले पे करिएगा सर, तो इंग्लिश वाले पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है? हिंदी वाला छोड़ दीजिएगा आप लोग, क्योंकि ट्रांसलेशन में सही नहीं हो पाया जल्दी जल्दी में। पूछ रहा है कि द लार्जेस्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म इज, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा होता है, ये पूछ रहा है, जल्दी से बताएं। ईस्ट होता है, एसिटेबल एरिया होता है, जेट्रोबैक्टर होता है, अमीबा होता है। जल्दी से जवाब दें सर इसका। द लार्जेस्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म इज, बिल्कुल देखिए मैं आपको बता दूं, इसमें लार्जेस्ट सिंगल सेल की अगर आप बात करेंगे सर, तो एसिटाबुलेरिया इज द करेक्ट जवाब, ठीक है? और एसिटाबुलेरिया एक प्रकार का होता क्या है, मैं आपको बता दूं, एक प्रकार का ग्रीन एल्गी होता है,
एक प्रकार का हरा शैवाल होता है सर, ठीक है। क्या होता है? एक प्रकार का हरा शैवाल होता है जो कि सबसे बड़ा है। ईस्ट एक प्रकार का फंजाई होता है सर, है ना, एक प्रकार का फंगस है जिसका यूज़ भी बहुत ज़्यादा बेकरी इंडस्ट्री में होता है, इन सब चीज़ों में यूज़ भी कर सकते हैं। एजाइटोबैक्टर एक प्रकार का ब्लू ग्रीन एल्गी है, और अमीबा एक प्रकार का प्रोटोजोआ है, ठीक है। तो इन सब में सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो एसिटाबुलेरिया ग्रीन एल्गी इज द करेक्ट जो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, बताइए। इंग्लिश वाले पे ध्यान दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड द वाटर प्लांट ऑफ द सेल। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का वाटर प्लांट भी कहा जाता है? जल्दी से बताते हैं। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का वाटर प्लांट भी कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड द वाटर प्लांट ऑफ द सेल। जल्दी से बताएं, जवाब नहीं आ रहा भाई। गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, वैक्यूल। जल्दी से बताएं। फटाफट जल्दी जल्दी बताओ भाई। बिल्कुल वैक्यूल होगा सर, क्योंकि वैक्यूल का मतलब क्या होता है? वैक्यूल का मतलब होता है खाली स्पेस, खाली स्पेस। और खाली स्पेस को वाटर प्लांट बोला जाता है क्योंकि एक तरीके से ये बॉयंसी भी मेंटेन कर सकता है ना। मान लीजिए अगर इसमें एयर भर जाए तो बॉयंसी मेंटेन करेगा ये प्रॉपर, और बॉयंसी मेंटेन करेगा तो एक तरीके से स्विमिंग में भी काम आ जाएगा। तो इसलिए वैक्यूल को बोला जाता है क्या? वैक्यूल को बोला जाता है वाटर प्लांट ऑफ द सेल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चला जाए। आइए तीसरा क्वेश्चन सर, इंग्लिश में देखिएगा, हिंदी ट्रांसलेशन ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाया। तो फॉर सोअर टेस्ट विच पार्ट ऑफ द टंग इज रिस्पॉन्सिबल। खट्टे स्वाद के लिए सर, खट्टे स्वाद के लिए जीभ का कौन सा हिस्सा जिम्मेदार होता है, ये बताना है। जल्दी से बताएं, खट्टे स्वाद के लिए जीभ का कौन सा हिस्सा जिम्मेदार होता है? फटाफट बता दें। फ्रंट, बैक, लैटरल या मिडिल, आगे का, बीच का, किनारे का या पीछे? जल्दी से बता दें। देखिए सब, फ्रंट का जो होता है ना ये मीठेपन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बैक जो होता है सर ये बिटरनेस या तीखेपन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। लैटरल जो होता है सोरनेस के लिए होता है सर, है ना, खट्टेपन के लिए। और मिडिल वाला जो होता है सॉल्टी के लिए, सॉल्टी या नमकीन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो इसका जवाब क्या हो गया? इसका जवाब हो गया सी इज द करेक्ट जवाब, ठीक है। आई नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। इन ह्यूमन द प्रोसेस ऑफ ब्लड फिल्ट्रेशन इज नोन एज व्हाट। मानव में जो रक्त का स्पंदन होता है बेटा, रक्त का फिल्ट्रेशन होता है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ये पूछा जा रहा है। इन द प्रोसेस ऑफ ब्लड फिल्ट्रेशन इज नोन एज डायलिसिस, हीमोलिसिस, ऑस्मोलिसिस एंड पैरालिसिस। जल्दी से बताएं, फटाफट बताते जल्दी से। प्रोसेस ऑफ ब्लड फिल्ट्रेशन इज नोन एज, बिल्कुल इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा क्या बेटा? डायलिसिस द करेक्ट जवाब, ठीक है कि नहीं? डायलिसिस में आपने सुना होगा ना, डायलिसिस का मतलब ही ये होता है कि नहीं? डायलिसिस का मतलब क्या होता है? यही तो होता है डायलिसिस का मतलब। डायलिसिस जब किडनी वगैरह काम करना बंद कर देती है, जब किडनी काम करना बंद कर देती है सर, तो एक मशीन लगा के किडनी के जो इम्प्योरिटीज हैं उसको साफ किया जाता है, तो उसी को ब्लड फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो दैट इज नोन एज डायलिसिस, तो इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच बॉडी इज नोन एज विच बॉडी ऑर्गन इज नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। शरीर के किस अंग को आरबीसी के कब्रिस्तान के रूप में कहा जाता है? शरीर के किस अंग को आरबीसी के कब्रिस्तान के रूप में जाना जाता है? लिवर होता है, बोन मैरो होता है, लिम्फ होता है, स्प्लीन होता है। जल्दी से बता दें, फटाफट बता दें।
तो इसका जवाब सही क्या हो जाएगा बेटा? इसका जवाब क्या हो जाएगा सर? स्प्लीन इज द करेक्ट जवाब. क्यों? क्योंकि स्प्लीन को बोलते हैं प्लीहा. स्प्लीन को क्या बोलते हैं? प्लीहा. और मरने के बाद मैंने आपको बताया था कि जो भी डेड आरबीसी वगैरह होती हैं वो कहाँ पे मूव करती हैं, चाहे डेड आरबीसी हो, चाहे डेड डब्ल्यूबीसी हो और चाहे डेड प्लेटलेट्स हो बेटा, ये सारी मरने के बाद कहाँ पे मूव करती हैं सर? स्प्लीन में करती हैं, लास्ट पसली के पास होता है स्प्लीन मतलब प्लीहा, और ये पेट के जस्ट ऊपर पाया जाता है, इसीलिए इसको ग्रेवयार्ड ऑफ डेड आरबीसी भी कहते हैं. तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट भाई, 10 क्वेश्चन का सीरीज लेके आया हूँ आज. यूरिया इज सिंथेसाइज इन टू, यूरिया कहाँ पे संश्लेषित की जाती है? लीवर में, लंग्स में, किडनी में, स्प्लीन में? जल्दी से बता दे यूरिया कहाँ पर सिंथेसाइज की जाती है, फटाफट बता दे जल्दी जल्दी. यकृत में, फेफड़े में, गुर्दा में या प्लीहा में? तो यूरिया बेटा ध्यान रखिएगा, जो भी डेड आपकी जो भी अमोनिया होती है, जो भी NH3 होती है, प्रोटीन के डाइजेशन से जो भी अमोनिया निकलती है सर, अमोनिया को यूरिया में चेंज करने का काम किसका होता है? लीवर का होता है सर. तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? लीवर इज द करेक्ट आंसर. कुछ लोग लंग्स भी बता रहे थे तो गलत है बेटा, लीवर इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलें. 10 क्वेश्चन की सीरीज है बेटा, ठीक है, कोशिश करेंगे 10 मिनट्स में हो जाए. विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नॉट करेक्टली मैच्ड विथ इट्स डेफिशिएंसी डिजीज, इनमें से कौन सी विटामिन अपने डेफिशिएंसी डिजीज से मैच नहीं कर रही ये बताना है आपको. कैल्सिफेरॉल, ऑस्टियोमलेसिया, नियासिन, कोबेलामिन और राइबोफ्लाविन, 4 विटामिन दे रहा है आपको सर. कैल्सिफेरॉल का मतलब होता है विटामिन डी, ऑस्टियोमलेसिया ये मुझे लग रहा है सही है, नियासिन विटामिन कौन सा होगा? B3 होगा, पेलाग्रा ये भी सही लग रहा है, कोबेलामिन सर ठीक है, कोबेलामिन B12 होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है ये भी सही लग रहा है मुझे, राइबोफ्लाविन बेरी बेरी ये मुझे गड़बड़ लग रहा है. क्यों? क्योंकि विटामिन B1 से बेरी बेरी होता है, B1 से बेरी बेरी होता है ठीक है, और B2 होता है राइबोफ्लाविन, B2 से बड़ा चिलोसिस होता है, आप समझ रहे हैं? चिलोसिस का मतलब होता है सर रेड आइज होना, आंखों का लाल होना, रेड आइज का मतलब क्या होता है? चिलोसिस ठीक है. तो इसका सही गलत कौन सा बेटा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट पे चले. बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन हाइएस्ट अमाउंट ऑफ वाइटामिन सी, इनमें सबसे ज्यादा विटामिन सी किस में पाया था ये बताना है. ग्रीन चिलीज, पीज, रेडिस और कॉलीफ्लावर, इसके हिसाब से बताना है. वैसे तो विटामिन सी आपको पता है कि नींबू में, संतरे में बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, लेकिन अगर इसमें से पूछा जाए जो ऑप्शन दिया हुआ है, ग्रीन चिलीज, पीज, रेडिस या कॉलीफ्लावर, तो इसमें क्या बताएंगे? तो बिल्कुल सर, ग्रीन चिलीज इज द करेक्ट आंसर सर. हरी मिर्च जो होती है उसमें हाई अमाउंट में वाइटामिन सी प्रेजेंट होती है. नेक्स्ट पे चले. बताइए द टर्म हाइपोग्लाइसीमिया एंड हाइपरग्लाइसीमिया रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग, बॉडी फैट, बॉडी शुगर, मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन. ध्यान से देखिएगा, ग्लाइसीमिया, ग्लाइसीमिया ठीक है, ग्लाइसीमिया का मतलब होता है ग्लूकोज, ग्लाइसीमिया का मतलब होता है ग्लूकोज. हाइपोग्लाइसीमिया मीन्स बेटा कम और हाइपर मीन्स ज़्यादा. तो एक बात बताओ, जब डायबिटीज इंसिपिडा सॉरी डायबिटीज मेलिटस जब पढ़ाया था, शुगर बताया था, तो शुगर में क्या हो जाता है सर? शुगर का मतलब होता है हाइपर ग्लाइसीमिया हो जाता है, इंसुलिन जब ज़्यादा निकलता है तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है. तो एक तरीके से बॉडी के शुगर को बता रहा है सर ठीक है. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. आई बस समझ में? तो हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया दोनों रिलेटेड है बेटा कहाँ से? बॉडी शुगर से. नेक्स्ट पे चले. चलिए ये चलिए क्वेश्चंस हो गए, एक क्वेश्चन अपना और कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद फिर हम लोग दोपहर 12 बजे फिर से मिलेंगे ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए. आइए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा. चलिए एक क्वेश्चन ये बता दीजिएगा फटाफट, इसके बाद फिर हम लोग 12 बजे और रात को 10 बजे भी मुलाकात करते रहते हैं. तो विच अमंग द फॉलोइंग आर कॉल्ड थ्रम्बोसाइट, इसमें से किसे थ्रम्बोसाइट कहते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और सीरम, किसको निम्नलिखित में से किसको थ्रम्बोसाइट कहा जाता है? ये भी कल ही प्लस पे चला था बेटा, 2500 जो प्लस क्लास मेरी चलती है, मेरी प्लस क्लास जो चलती है वो फाउंडेशन वाइज चल रहा है 2500, तो उसको आप लोग जरूर ज्वाइन करें ठीक है. तो चलिए इसमें जवाब कुछ लोग दे रहे हैं WBC, कुछ लोग बता रहे हैं प्लेटलेट्स. बिल्कुल सही जवाब है सर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. किसको बोला था थ्रम्बोसाइट्स? प्लेटलेट्स को बोला था बेटा ठीक है. चलिए तो नेक्स्ट पे चला जाए. आइए फटाफट, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से बातें करेंगे ठीक है. चलिए आज के लिए बेटा इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और इसके अलावा बात करेंगे इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें ठीक है. चलिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद, इंजॉय करिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, फिर से मुलाकात हम लोग करते रहेंगे ठीक है. चलिए नमस्कार, दोपहर 12 बजे और रात को 10 बजे. चलिए.